दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। ये पिछले कई सालों से हम मशक्क़त कर रहे थे और हमारी मशक्क़त अब फ्रूट लेके आई है कि ट्रायल बेसिस पे 9 सड़कों को हम लोग 45 किलोमीटर की ये 9 सड़कें हैं, उनकी सारी डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इन 9 सड़कों को हम पायलट बेसिस पे रीडिज़ाइन कर रहे हैं और ये इनके वर्क ऑर्डर्स, इनमें से एक सड़क का वर्क ऑर्डर कल दे दिया गया, 2 सड़कों के वर्क ऑर्डर्स आज दे दिए जाएंगे और बाकी सभी सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप एक यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि 4 लेन की सड़क है, अचानक 3 लेन की हो गई, या 6 लेन की सड़क है, अचानक 3 लेन की हो गई। तो हालांकि हमारे दिल्ली की सड़कें बहुत सारी काफ़ी चौड़ी हैं, लेकिन वो ये जो इस किस्म के बॉटलनेक्स हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट करते हैं। सो अगर एक सड़क 6 लेन से 3 लेन की होती है, अगर वो शुरू से ही 3 लेन की होती तो ज़्यादा ट्रैफिक स्मूथ फ्लो कर सकता था, रादर देन कि पहले 6 लेन फिर 3 लेन फिर 4 लेन उस तरह की। तो एक तो जितने इस किस्म के बॉटलनेक्स हैं इन सड़कों पे वो सारे बॉटलनेक्स दूर किए जाएंगे। दूसरा, जितनी भी स्पेस है उस स्पेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, उस स्पेस को बेस्ट यूटिलाइज किया जाएगा कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है, अभी उस स्पेस को किसी भी तरह से साइंटिफिक तरीके से सोच के नहीं बनाया गया। जितना मन किया उतना फुटपाथ बना दिया, जितना मन किया उतनी सड़क बना दी और जितना मन किया उतनी साइड लेन बना दी। अब इसको सोच के इसमें फुटपाथ के लिए भी जगह बनाई जाएगी, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए भी जगह होगी और फुटपाथ काफ़ी चौड़े चौड़े बनाए जाएंगे, कम से कम 5 फुट के होंगे और एवरेज 10 फुट के फुटपाथ बनाए जाएंगे। फुटपाथ्स को भी, सारे फुटपाथ्स को रीडिज़ाइन और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस तरह से कि ये एक तो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग जो हैं उनके लिए, उनको एनेबल करने के लिए, उनके मूवमेंट को एनेबल करने के लिए। कई सारे हम फुटपाथ देखते हैं कि इतने ऊंचे होते हैं कि उस पर ऊंचा नीचा उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। सो उनको एक स्टैंडर्ड हाइट के, उससे सारे फुटपाथ को रीडिज़ाइन और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उन्हें खूबसूरत बनाया जाएगा।